नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मांडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के सॉरी मैंने मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इधर देखिए, आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन और बाय सेल लेवल लेवल रेगुलर देता हूँ। मैंने जो बाय सेल लेवल स्क्रीनिंग करके बाइसल लेवल बनाया है और उसको स्क्रीनिंग बाइसल लेवल कम स्क्रीनर और बाइसल लेवल थ्री बनाया है, उसको स्क्रीनिंग करके मैंने रेगुलर व्यू देता हूँ। वो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जो स्ट्रैटेजीज बहुत सारा स्ट्रैटेजी है उसको आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग को बहुत सारा चीज़ एडुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ मिल जाएगा। तो जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट कमाने का प्रॉफिट कमा का आप लोग जो अपने का आप लोग प्रॉफिट कमा सकता है, हेल्प कर सकता है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये देखिए निफ्टी का बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए निफ्टी फिफ्टी जो 61.8% में ये जाके रुक गया था 12,158। मैंने बोला था 12,150-160 क्रॉस करना होगा उसको 200 का ऊपर जाने के लिए। तो देखिए ये फिर से ये उधर 61.8% से रिट्रेस होके ये फिर से नीचे आ गया है। ये अभी तक फिर से 0% के आसपास आ गया है। ये क्रॉस करेगा तो 12,030 के नीचे ये क्रॉस करेगा तो ये 38.2% में फिर से आ सकता है, मतलब 11,957 और इसके बाद 11,912 उसके बाद 11,938 आ सकता है। तो मैंने बोला था आज के इसमें अभी ये रिट्रेस होने का चांस ज़्यादा है, ऊपर जा रहा है किंतु रिट्रेस होकर नीचे आने का चांस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप लोग उसको मेरा अगला वीडियो फॉलो कर सकता है। और बैंक निफ्टी का मैंने डायरेक्शन निफ्टी का ऑप्शन चेन बताऊँगा देखूँगा। तो इसमें वीसीआर रेशियो कुछ 1.17 हो गया है और इधर 12,200 में इसका रेजिस्टेंस है, इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट है। और इधर पुट साइड में इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 12,000 में, उधर भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ, उधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो इधर निफ्टी अभी नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उस दिन कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ये ऐसे ही चलेगा। तो 12,000 के नीचे उसके बाद 11,800 में इसका सपोर्ट आया, 11,800 में उसका सपोर्ट होगा, 11,700 में इसका सपोर्ट होगा। तो इसमें ऐसे रिट्रेस करके नीचे जाएगा और उसके बाद फिर से जब इसका फिर से रेशियो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और रिट्रेस होकर फिर ऊपर आएगा। तो इसमें देखिए वो इसका प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। इधर प्रोबेबिलिटी मैंने 12,000 में जब ये सपोर्ट पकड़ा है, सपोर्ट के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इधर निफ्टी का बैंक निफ्टी का प्रोबेबिलिटी देखते हैं, निफ्टी बैंक को प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। 38 ये देखिए 38.5 ये 32,500 के ऊपर नहीं गया, जाने का कोशिश जाने का नहीं जा पा गया है। तो इधर 38.2% के नीचे वो फिर से रिट्रेस करके नीचे आ रहा है। इधर ये सपोर्ट लिया है, इधर देखिए इसका सपोर्ट होगा 31,500 में इसका सपोर्ट है, इसका 515 में इसका सपोर्ट है, उसके बाद सॉरी इसका हाँ इधर 31,500 में इसका सपोर्ट है, उसके बाद ये 31,000 में इसका सपोर्ट है, 31,100 के आसपास, 31,050 के आसपास, उसके बाद 31,500 588 इससे इधर सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद ये 31,100 के आसपास इसका सपोर्ट होगा। तो इधर देखिए मैंने ये जो लेवल बताता हूँ इसको आप लोग को दिखा देता हूँ। और मेरा जो बैंक निफ्टी मैंने जो बाइसल लेवल कम स्क्रीनर देखे मैंने स्क्रीन करता हूँ वो उसमें आप लोग को लेवल दिखा देता हूँ, दो तीन लेवल आप लोग को दिखा देता हूँ तो आप लोग देख ले सकता है। और इधर देखिए निफ्टी का बैंक निफ्टी का इधर 32,500 इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है कॉर्पोरेट साइड में। इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 31,500 में है, 31,500 में है।
इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, मतलब नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है। इसका प्रोबेबिलिटी देखेगा तो इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा आप दिखा रहा है, लेकिन इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अभी इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इधर देखिए, मैंने इधर से निफ्टी बैंक निफ्टी का जो रेगुलर मैंने व्यू देता हूँ उस उधर आप लोग को दिखा देता हूँ कि इधर कौन सा लेवल पे एंट्री लेना है। वैसा लेवल मैंने वैसा लेवल वन दिखा देता हूँ, वैसा लेवल टू दिखा देता हूँ और वैसा लेवल थ्री भी दिखा देता हूँ। मैंने ये फाइल आप लोग को एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट आप लोग को मिल जाता है। आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करेंगे तो पेड सर्विस ग्रुप में, और उसमें आप लोग फ्री ट्रायल होकर आप लोग फ्री ट्रायल देने के लिए आप लोग कुछ दिन के लिए ज्वाइन हो सकता है। उसका लिंक ये वीडियो के नीचे दिया जाएगा। और इसका जो ये जो फाइल का जो डाउनलोड करने का लिंक भी ये यूट्यूब वीडियो के नीचे आप लोग को दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग दो चार दिन का कैसे स्क्रीनिंग करता है, कैसे इसका कैसे इसका परफॉर्मेंस रहता है ये आप लोग देख लीजिए। ये आप लोग को बहुत ही कम पे आएगा। आप लोग कोई भी, मैंने दो तीन लेवल देखिए, मैंने बाइसल लेवल स्किनर में मैंने बाइसल लेवल वन, बाइसल लेवल टू और बाइसल लेवल थ्री रखा है। और कुछ इंडिकेटर देखे आप लोग देख सकते हैं इधर स्क्रीनिंग करके। अब लोग पहले ट्रेंड एक बार कंफर्म कर ले सकता है। ट्रेंड कंफर्म होने के बाद आप लोग इसका बाय या सेल लेवल देख सकता है। ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये प्रॉफिट दे सकता है। तो इधर आप लोग इधर ये बाय सेल लेवल वन देख सकता है। उसके बाद मैंने बाय सेल लेवल थ्री जो मेरा रोज मोस्ट रिकमेंडेड है, तो वो अप ट्रेंड का बाय का अप ट्रेंड में बाय या सेल लेवल दिखाता है, डाउन ट्रेंड का बाय या सेल लेवल दिखाता है। अप ट्रेंड और भी ऊपर जाएगा तो, और डाउन ट्रेंड नीचे जब अप ट्रेंड का नीचे आएगा तो, और डाउन ट्रेंड जब रिट्रेस होकर बाय जाएगा तो, और सेल होकर नीचे कौन सा लेवल पकड़ना है और कौन सा लेवल पर है वो भी इधर से आप लोग को दिख जाएगा। और इधर से देखिए, इधर 534 EMA क्रॉसओवर, और इधर कुछ प्रीवियस क्लोज का कंपेयर करके मैंने कुछ ट्रेंड पकड़ने का, मतलब आप लोग कंफर्म ट्रेंड पकड़ सकता है। उसके बाद इसका अप ट्रेंड और बाउंड या डाउन ट्रेंड का बाइसल लेवल देख सकता है। जब अप ट्रेंड में रहेगा ओनली अप ट्रेंड का बाइसल लेवल देखेंगे, डाउन ट्रेंड रहेगा तो ओनली डाउन ट्रेंड का बाइसल लेवल देख सकता है। और आप लोग बाइसल लेवल कम स्किनर फाइल से बाइसल लेवल वन भी देख सकता है। इसका बाई वन बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है। टारगेट वन से टारगेट ए भी अच्छे बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। एंड ऑफ द डे ये बहुत ही अच्छा काम करता है। आप लोग को स्क्रीनिंग वाला फाइल देख सकता है। मैंने देखिए आप लोग, मैंने स्क्रीनिंग करके मैंने दिखा रहा था। देखिए मैंने अंबुजा सीमेंट, और देखिए इधर देखिए आप लोग वो वाला वीडियो मेरा जो है स्क्रीनिंग वाला, सॉरी परफॉर्मेंस वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं इधर से। इधर देखिए ये अपडेट में मैंने बजाज फिनांस फिनसर्व को दिया था वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो ये अपडेट डिटेल्स होके देखिए इधर ये अपडेट का इधर 9226 में एंट्री था और ये लोअर हुआ है जिस टाइम मैंने डाटा लिया था डाउनलोड करके, तो उस टाइम 9109 तक ये लो हुआ था। इधर जो आप लोग वैसे लेवल वन यूज़ करते थे तो वैसे लेवल वन जब आप लोग वैसे लेवल वन यूज़ करते थे तो इधर देखिए इधर डाउन ट्रेंड में इसका लेवल था 9226 था, और इधर अप ट्रेंड में था 9250। तो अप ट्रेंड का लेवल आया नहीं है तो उसका ये हाई हुआ था 9235, तो ये बजाज फिनसर्व हो गया। उसके बाद देखिए मेरा बहुत सारा कॉल था, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैंने दिखाने का कोशिश करता हूँ। इतना सारा टाइम होगा शायद नहीं होगा। तो इधर आप लोग भी ज्वाइन होकर देख ले सकता है, और जो लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे है वो भी आप लोग देख सकता है। आप लोग देखिए, सोच लीजिए मेरा ये कॉल पैल मेरा डाउन साइड में मेरा कॉल था, तो इधर आप लोग देख सकता है कॉल पैल इधर डाउन साइड में था, तो कॉल पैल का ये देखिए डाउन ट्रेंड का वाई लेवल इसको पकड़ना है। जब वाई लेवल दूंगा तो डाउन ट्रेंड में दूंगा तो अप ट्रेंड का सेल लेवल देखना नहीं है। डाउन ट्रेंड में वाई लेवल कितना था, जब बाय सेल लेवल थ्री यूज़ करना है तो अप ट्रेंड और बाय ट्रेंड देखना है, और अप ट्रेंड का बाय सेल लेवल ओनली